कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल पैरेट पैराडाइज में। तो हमारे एक भाई ने कमेंट्स में पूछा था कि आपके तोते की क्या डाइट है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको बताई जो हमारे तोते की क्या डाइट है। तो हम इसको देते हैं सनफ्लावर की सीड्स, और ये हमारे साथ जो है वो फ्रूट भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खाता है, और हम इसको बाजारी नान देते हैं जिसमें ऑयल नहीं होता। तो मैं इसको कभी भी फ्राई चीज़ें नहीं देती क्योंकि फ्राई चीज़ों में घी होता है और उनकी वजह से इनके जो बाल हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जहाँ ये सोते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ़ रखा करें जैसे हमने रखी है। इसको फ्रेश वाटर दिया करें दिन में क्योंकि ये वाटर ज़्यादा पीते हैं, और इनको साफ सीड्स भी रख के दिया करें, है ना मित्तू? गली गली करूँ ना। सो इसको किसी बड़े बर्तन में या ट्रे हो इसको पानी डाल दिया करें, फिर ये शावर खुद ही करता है। क्योंकि अगर कोई फ्लैट प्लेट हो, इतना डीप बर्तन ना हो, और अगर आप इसको खुद ही नहाएंगे तो उस वजह से ये खुद ही मर जाते हैं बर्ड्स। तो इनको छोड़ दिया करें, ये खुद ही नहाएंगे जब इनका मूड होगा। और इनको कभी भी शैम्पू ना लगाएं। जो बेबी पैरेट्स होते हैं उनको पैरेट्स का सीरिलैक देते हैं या उनको बॉयल चने की दाल देते हैं। जो बाहर बाज़ारों में मिलता है नेस्ले का सीरिलैक, वो इनको ना दिया करें क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर होता है, वो इनका गला ख़राब करता है। जब ये बड़े हो जाते हैं या हम इसे सनफ्लावर के सीड्स दे देते हैं या हम इनको मिक्स सीड्स देते हैं, वो किसी भी पैरेट की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इनको दिन में कभी भी अकेला ना छोड़ा करें, दिन में इनके साथ खेला करें क्योंकि ये फिर इनके साथ बातें किया करें, ये बातें सीखेंगे और ये उस तरह समझेंगे भी नहीं कि हमारे साथ कोई खेलता नहीं है। और फिर इनके साथ बातें किया करें, रात को जहाँ सोते हैं उधर सुलाया करें, और ये फिर ना समझेंगे कि हमारे साथ कोई है भी नहीं, ये वो भी नहीं समझेंगे और ये बातें करना भी स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इन बचपन से एक पिंजरे में इनको आदि करें क्योंकि ये अब जब भी पूरे घर में फिर के अपने पिंजरे में जाता है, खाता है, पीता है, फिर उसमें सोता भी है, सुबह उठता भी है, और ये पिंजरे के साथ बहुत खुश है। जब ये छोटा था तो हम इसको पिंजरे में ही सुलाते थे, सो पिंजरे में अब ये बहुत खुश है और ये अपने पिंजरे के अलावा किधर रहता भी नहीं है।